उठेगी तब निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। मैं शपथ में उन्होंने शपथ ली है अपने पद गोपनीयता की शपथ को पूरा करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हमारे पशुधन विभाग की पशुधन प्रसार अधिकारी महत्वपूर्ण कड़ी है और ये निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। हमारी इसके लिए शुभकामना। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से निकाल कर हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। हमारे डायरेक्टर महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जितने भी हमारे मैम बैठी हुई हैं, परिमंडल का जितने भी हमारे दूर दराज से जितने भी पदाधिकारी आए उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो उन्होंने आश्वासन दिया, जो मुझे पद का दायित्व दिया है, उसके पद के दायित्व के रूप में मैं उनको एक गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, मैं उसको पूर्ण आश्वास करते हुए जो संवर्ग की तरफ से जो मांगे हमारी प्रदेश स्तर से रेफर से लाई जाएंगी, मैं निदेशक महोदय के माध्यम से, चाहे अपने माध्यम से, चाहे हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से उनको ले जाने का भी काम करूँगा। जो हमारी मूलभूत समस्या है, चाहे हमारा केटर की हो, चाहे हमारी वेतन वसन की हो, चाहे हमारे जो सेवा नियम में जो संशोधन हुआ, जो के संशोधन हुआ, जो भी टूटी बस जो समस्या उसमें रह गई है उनको समाधान कराने का भी काम हमारे सब जितने भी मैं छह पदाधिकारी हैं उनको लेकर साथ लेकर हमें चलने का काम करूँगा। और उसकी जो जो समस्याएं हमारे पशु पर चाहे गौशाला में आ रही हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही एक नया गौ आश्रय स्थल के तहत जो योजना चलाई जा रही है उसको हम कहीं ना कहीं जन जन तक पहुँचाने का, और एक पशु प्रसार अधिकारी वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट करने का, टीकाकरण करने का, बधियाकरण करने का काम करता है, तो जो जो समस्याएँ आती हैं उसको समाधान कराने का भी काम करेंगे। माननीय मंत्री जी रहे, हमारे तिवारी जी, अपन जो राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं वो हैं, श्री प्रधान जी हैं, हमारे महासचिव हैं, और यहाँ हमारे निदेशक महोदय हैं, हमारे एडी मंत्री हैं, जितने भी हमारे आई एडी गोदर थे, एके वर्मा जी से, समस्त जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, जितने भी हमारे एडी वन एडी सेकेंड के निदेशक महोदय थे वो भी समारोह संपन्न हो गया है। आज आपके कार्य है जो समर्थन में रहेंगे आप हमारे जो उन्नाव में कांड हो गए, मतलब चार भाइयों का हमारा सीजन ऑफ तरीके में ट्रांसफर कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी से मैंने उनको रिक्वेस्ट भी करी कि अगर उनका भाई यथावत रहने दिया जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनकी पारिवारिक समस्याएं ऐसी हैं तो वो नहीं जा सकते, तो माननीय मंत्री के आश्वासन दिया है तो उसको पूर्ण करने का।